गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एडिशन ऑफ टू डिजिट्स नंबर। नाउ लेट अस स्टार्ट। फाइंड द नंबर, फाइंड द सम। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, 51 प्लस 26, हम 51 और 26 को बेटा ऐड करेंगे। ओके, अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये क्या है वंस प्लेस एंड द टेंस प्लेस। ठीक है, अब सबसे पहले ऐड द डिजिट इन वंस कॉलम। सबसे पहले हम वंस कॉलम को ऐड करेंगे। वंस कॉलम में बेटा क्या क्या नंबर है, 6 एंड 1। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज द लार्ज नंबर, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, 6 नंबर इज द लार्ज नंबर ना, तो आपको क्या करना है बेटा, जो बड़ा नंबर है उसको माइंड में रखना है। 6 नंबर कीप इन माइंड एंड वन नंबर काउंट ऑन फिंगर। ठीक है, ये वन नंबर है बेटा। ठीक है, अब जो माइंड में रखा हुआ था उसको हम वापस लेंगे। टेक 6 के बाद वाला नंबर क्या आएगा, 7। काउंट करेंगे ना, 6 एंड 1 7। राइट हेयर 7 इन वंस कॉलम। हम क्या है, 7 को हम किस में लिखेंगे बेटा, वंस कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टेंस वाले को देखना है। अब वंस हो गया क्लियर, अब करना है टेंस में। टेंस में क्या है बेटा, 5 एंड 2 प्लस करना है, 5 एंड 2 को प्लस करना है। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, लार्ज नंबर देखना है, विच इज द लार्ज नंबर, 5। ठीक है, 5 नंबर कीप इन माइंड एंड 2 नंबर काउंट ऑन फिंगर पर काउंट करना है। ठीक है ना, 1 एंड 2। टेक जो माइंड में रखा था उसे हम वापस लेंगे। टेक 5 के बाद वाला नंबर क्या आएगा बेटा, 5 6 एंड 7। राइट 7 नंबर इन टेंस कॉलम, टेंस कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, 51 प्लस 26 इज इक्वल टू 77। इट इज क्लियर बेटा। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन सेकंड। सी द क्वेश्चन सेकंड। ओके, वंस एंड टेंस। ठीक है, सी द वंस प्लेस। पहले हमें वंस प्लेस को देखना है बेटा, एट द डिजिट इन वंस कॉलम। ठीक है ना, पहले वंस कॉलम को ऐड करना है। ठीक है, विच इज द लार्ज नंबर, 6 नंबर इज द लार्ज नंबर, 6 नंबर कीप इन माइंड, जो नंबर बड़ा है उसको हमें माइंड में रखना है। 6 नंबर कीप इन माइंड एंड 2 नंबर काउंट ऑन फिंगर, 1 2। ओके, टेक 6 जो नंबर हमने माइंड में रखा था हम उसे वापस लेंगे। टेक 6 के बाद क्या आएगा, 7 एंड 8। राइट 8 इन वंस कॉलम। ओके, सेकंड करना बेटा, एट द डिजिट इन टेंस कॉलम। अब हमें टेंस कॉलम को ऐड करना है। अब ये तो सेम है बेटा, इसमें से कोई छोटा बड़ा नंबर नहीं है, तो अब 2 नंबर कीप इन माइंड एंड 2 नंबर ऑन फिंगर। ठीक है, टेक 2 3 एंड 4, 4 नंबर राइट इन टेंस कॉलम। ओके, 22 प्लस 26 इज इक्वल टू 48। ओके, सी द थर्ड क्वेश्चंस, वंस एंड टेंस। एड द डिजिट इन वंस कॉलम को ऐड करेंगे सबसे पहले बेटा, और कभी भी बेटा टेंस से नहीं करना आपको, हमेशा कैसे करना है, राइट साइड से वंस कॉलम को ऐड करना है। ठीक है, 8 एंड 6, पहले हमें देखना है, इसमें भी यही देखना है, विच इज द लार्ज नंबर, 8 इज द लार्ज नंबर। ओके, 8 नंबर कीप इन माइंड एंड 6 नंबर काउंट ऑन फिंगर। पहले हमें 6 नंबर बेटा फिंगर पर काउंट करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, जो हमने माइंड में रखा था उसे हम वापस लेंगे। 8 से बाद वाला नंबर हमें काउंट करना है। ठीक है ना, 8 9 10 11 12 13 14। अब 14 आया बेटा, देखो 14 में क्या करना है आपको, जो ये वंस वाला है, ठीक है, वंस प्लेस पर लिखना है, और जो कैरी आया बेटा ये 1, ये टेंस प्लेस पर लिखना है। यहाँ पे हम सर्कल से बना देंगे। ठीक है, कैरी ओवर 1।
ठीक है। अब हमें इन तीनों को प्लस करना है। अब सबसे पहले हमें देखना है इसमें से लार्ज नंबर कौन सा है, फाइव। फाइव नंबर कीप इन माइंड एंड फोर नंबर काउंट ऑन फिंगर, ठीक है ना। वन टू थ्री फोर, और एक ये वन है एंड वन, ठीक है। टेक फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन नंबर राइट इन टेंस कॉलम, ओके। अब नेक्स्ट बेटा ये आप कर लेंगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखिए दिस, ओके। एट पहले मेंशन करेंगे वंस एंड टेंस, एट द डिजिट इन वंस कॉलम। सबसे पहले हम वंस कॉलम को ऐड करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज द लार्ज नंबर, नाइन नंबर इज द लार्ज नंबर, ओके। नाइन नंबर कीप इन माइंड एंड एट नंबर काउंट ऑन फिंगर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ओके। जो हमने माइंड में रखा था उसे हम वापस लेंगे। टेक नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, सेवनटीन का बेटा क्या आएगा, सेवन कैरी ओवर वन इन टेंथ प्लेस, ठीक है ना। टेंथ प्लेस पर हम लिखेंगे यहाँ पर। अब हमें इसमें से देखना है बेटा इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है, विच इज द लार्ज नंबर, थ्री नंबर ना, थ्री जो नंबर लार्ज है उसे हमें माइंड में रखना है। थ्री नंबर कीप इन माइंड एंड टू नंबर ऑन फिंगर, वन टू एंड वन। अब ये वन है बेटा और इसको वन को करेंगे, ठीक है, वन को काउंट करेंगे। टेक जो माइंड में रखा था उस नंबर को हम वापस लेंगे। टेक थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स नंबर राइट इन टेंस कॉलम, ओके। ट्वेंटी नाइन प्लस थर्टी एट इक्वल सिक्सटी सेवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेंशन करना बेटा वंस एंड द टेंस, ठीक है। सेवन एंड टू, अब इसमें से भी देखना है बेटा विच इज द लार्ज नंबर। एट सबसे पहले एट द डिजिट इन वंस कॉलम को ऐड करना है, ठीक है। वंस कॉलम में बेटा क्या है, सेवन टू प्लस सेवन, ठीक है। सब जो बड़ा नंबर है उसको हमें माइंड में रखना है और छोटे नंबर को हमें फिंगर पर काउंट करना है। वन टू, सेवन नंबर कीप इन माइंड एंड टू नंबर ऑन फिंगर। टेक सेवन एट नाइन, नाइन नंबर राइट इन वंस प्लेस, देन एट द डिजिट इन द टेंस कॉलम। अब हमें टेंस कॉलम को ऐड करना है। टेंस कॉलम में बेटा क्या क्या नंबर है, सिक्स प्लस फोर, सिक्स को हमें किससे प्लस करना है, फोर से प्लस करना है, ठीक है। विच इज द लार्ज नंबर, सिक्स नंबर इज द लार्ज नंबर, सिक्स नंबर कीप इन माइंड एंड फोर नंबर काउंट ऑन फिंगर, वन टू थ्री फोर, ओके। अब जो हमने माइंड में रखा था जो सिक्स नंबर, टेक सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन नंबर राइट इन टेंस प्लेस, ओके। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, सबसे पहले हमें वंस और टेंस मेंशन करना है, ठीक है ना। एट द डिजिट इन द वंस कॉलम को ऐड करना है, ठीक है। वंस कॉलम में बेटा कौन कौन से नंबर है, एट एंड द नाइन, ठीक है। एट प्लस नाइन, एट को हमें नाइन से प्लस करना है, ठीक है। विच इज द लार्ज नंबर, नाइन नंबर इज द लार्ज नंबर, नाइन नंबर कीप इन माइंड एंड एट नंबर काउंट ऑन फिंगर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। जो हमने माइंड में रखा था उसे हम वापस लेंगे। नाइन, नाइन के बाद टेक नाइन, नाइन से आफ्टर वाला नंबर लेना बेटा, नाइन टेन, यहां हमने छोड़ा था ना तो यहीं से स्टार्ट करना बेटा। नाइन के बाद टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, सेवनटीन का बेटा क्या आएगा, सेवन, ठीक है। देखो अब ये सेवनटीन है, ये वंस है और ये टेंस है, ठीक है ना बेटा। जो सेवन है वंस प्लेस पे है तो ये वंस प्लेस पे लिखेंगे, ये क्या है वन टेंस प्लेस का है तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, राइट इन टेंस प्लेस, ओके, कैरी ओवर वन, ठीक है। अब हम इन तीनों को काउंट करेंगे, फाइव प्लस फोर प्लस वन, ठीक है। इसमें लार्ज नंबर कौन सा बेटा, फाइव, फाइव नंबर कीप इन माइंड एंड फोर नंबर ऑन फिंगर, वन टू थ्री फोर, ओके। फोर के बाद एक ये वन है बेटा, ये वन,
ठीक है, फाइव टेक फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, राइट, टेन नंबर राइट इन टेंथ प्लेस. ओके नेक्स्ट वंस एंड टेंथ मेंशन करना. ठीक है बेटा, थ्री एंड थ्री कितने हो गए, एट द डिजिट इन वंस कॉलम, हमें वंस कॉलम को ऐड करना है. थ्री एंड थ्री कितने हो बेटा, सिक्स, एंड सिक्स एंड टू एट. ओके अब देखिए बेटा, ये सम्स आपको खुद को सॉल्व करने हैं. ठीक है, ये वाले भी आपको खुद को करने हैं और ये वाले भी. अब मैं आपको ये वाले और समझा रही हूं. ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, वंस और टेंस मेंशन करना है, इसमें है नहीं. ठीक है, आपको बेटा नोटबुक में भी करना है तो वंस और टेंस को आपको मेंशन करना है. ठीक है, ताकि आपको पता चले. एट द डिजिट इन वंस कॉलम को हमें ऐड करना है. ठीक है, अभी बेटा थ्री नंबर्स हैं, नाइन प्लस वन प्लस टू. ओके, सबसे पहले हमें वंस डिजिट को ऐड करना है. सबसे पहले हमें ये देखना है इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है. जैसे नाइन है बेटा सबसे बड़ा नंबर, नाइन नंबर कीप इन माइंड, माइंड में रखना है. और ये क्या है, छोटा नंबर है, इसे टू नंबर ऑन काउंट ऑन फिंगर, वन टू. ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों को ही प्लस करेंगे. नाइन, नाइन के बाद क्या आएगा बेटा, टेन, इलेवन, इलेवन हो गए. अब इलेवन में क्या करना है, वन प्लस करना है. अब जो इलेवन नंबर है उसको हम माइंड में रखेंगे. इलेवन नंबर कीप इन माइंड एंड वन नंबर ऑन फिंगर, टेक इलेवन, जो आपने माइंड में रखा था हम उसे वापस लेंगे. इलेवन, इलेवन एंड वन ट्वेल्व, ट्वेल्व का बेटा क्या आएगा, टू राइट इन वन प्लेस एंड वन जो कैरी ओवर वन है ये राइट इन टेंथ प्लेस. ओके अब हम इन तीनों को प्लस करना है, फोर प्लस सिक्स प्लस एट. ओके इसमें से बेटा बेटा सी द लार्ज नंबर, विच इज द लार्ज नंबर, एट नंबर, एट नंबर कीप इन माइंड एंड सिक्स नंबर काउंट ऑफ फिंगर, काउंट ऑन फिंगर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. ओके एट, एट से आफ्टर वाला नंबर क्या है बेटा, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन. अब फोर्टीन आगे बेटा हमने इन दोनों को प्लस किया तो क्या आया, फोर्टीन. जो ये फोर्टीन है, फोर्टीन को अब हम क्या करेंगे, कीप इन माइंड, और फोर नंबर को हम क्या करेंगे, फिंगर पर काउंट करेंगे. ठीक है ना, फोर्टीन, फोर्टीन के बाद क्या आएगा बेटा, फोर नंबर फिंगर पर काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर. ओके फोर्टीन, फोर्टीन के बाद क्या आएगा बेटा, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, एटीन, एटीन में वन प्लस करेंगे बेटा, ये तो इजी है. एटीन के बाद क्या आएगा, नाइनटीन, नाइनटीन नंबर राइट इन टेंथ प्लेस. ओके नेक्स्ट नंबर, सी द नेक्स्ट नंबर. ओके मेंशन द वंस एंड टेंस. ओके एट द डिजिट इन वंस कॉलम, हम सबसे पहले किसको करेंगे, वंस कॉलम को ऐड करेंगे. ओके देन एट द टेंस कॉलम, सबसे पहले वंस कॉलम को, फिर हम वंस कॉलम को करेंगे, फिर टेंस कॉलम को करेंगे. पहले वंस कॉलम को ऐड कीजिएगा. देखिए विच इज द लार्ज नंबर, इनमें से सबसे लार्ज नंबर कौन सा बेटा, नाइन, नाइन नंबर कीप इन माइंड, उसके बाद में क्या है, एट है. ठीक है भाई, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, नाइन है, उसके बाद में क्या है, उससे छोटा एट है और उससे छोटा थ्री है. ठीक है, सबसे पहले जो बड़ा नंबर है, सबसे लार्ज नंबर है, उसे कीप इन माइंड, नाइन नंबर कीप इन माइंड एंड एट नंबर काउंट ऑन फिंगर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. ओके अब हम इन्हें काउंट करेंगे. ठीक है, जो हमने माइंड में रखा था उसे हम वापस लेंगे. टेक नाइन, नाइन के बाद क्या आएगा बेटा, टेन, यहां छोड़ा था बेटा हमने, है ना, यहां तक है एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन. अब इन दोनों को प्लस करने पर क्या है बेटा, सेवनटीन. अब जो इस सेवनटीन नंबर को हम क्या करना है, माइंड में रखेंगे, और थ्री नंबर को हम क्या करेंगे, काउंट ऑन फिंगर, वन टू थ्री. ठीक है, सेवनटीन, सेवनटीन के बाद वाला नंबर क्या है बेटा, सेवनटीन नंबर कीप इन माइंड एंड थ्री नंबर काउंट ऑन फिंगर. ओके टेक सेवनटीन, एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी. ट्वेंटी का बेटा क्या आएगा, जीरो. अब देखो ये ट्वेंटी है, इसमें जो वंस प्लेस में क्या है बेटा, जीरो है, और टेंथ प्लेस में क्या है, टू है. तो हम इसे टेंथ प्लेस पे राइट इन टेंथ प्लेस, कैरी ओवर
टू. ओके, अब हमें प्लस करना बेटा इनको, वन प्लस टू प्लस वन प्लस वन, इन सभी को हमें प्लस करना है. एड द डिजिट इन द टेंस कॉलम, जो टेंस कॉलम है उन्हें हमें सभी को ऐड करना. देखिए ठीक है, अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा बेटा, टू है. ठीक है, टू नंबर कीप इन माइंड, टू और वन नंबर. अब ये तो बेटा बहुत इजी है, देखो वन वन तो आप प्लस कर ही सकते हैं. ठीक है, टू, टू के बाद क्या आएगा, थ्री, फोर, फोर और जो ये बेटा टू कह रही आई थी, फोर एंड टू सिक्स. ओके, सिक्स नंबर राइट इन टेंथ प्लेस, टेंथ प्लेस पर हमें राइट करना है. ठीक है, अब देखिए ये तो बहुत ही इजी है. ठीक है, अब देखो जीरो जीरो पहले हमें वंस एंड टेंस मेंशन करेंगे. एट द डिजिट इन वंस कॉलम, वंस कॉलम का एड करेंगे. देखो बेटा जीरो को जीरो से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो. जीरो को जीरो से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो. वेरी सिंपल. देन एट द डिजिट इन द टेंस कॉलम, अब हम टेंस कॉलम को एड करेंगे. ठीक है, अब उसी तरीके से करेंगे बेटा. देखिए विच इज द लार्ज नंबर इन टेंस कॉलम, इन टेंस कॉलम में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सिक्स नंबर है बेटा. सिक्स नंबर कीप इन माइंड एंड फोर नंबर काउंट ऑन फिंगर, वन टू थ्री फोर. ओके, टेक जो हमने माइंड में रखा था उस नंबर को हम वापस लेंगे. ठीक है, टेक सिक्स, सिक्स के बाद में क्या आएगा बेटा, सेवन एट नाइन टेन, टेन हो गए. अब टेन में वन प्लस करेंगे, टेन एंड वन इलेवन. ओके, अब देखिए टेन प्लस सिक्सटी प्लस फोर्टी इज इक्वल टू वन हंड्रेड टेन. ओके, सी द नेक्स्ट सम. ओके, देखिए सी द नेक्स्ट बेटा सम. अब हमें इस सम को सोल्व करना है. ओके, वंस एंड द टेंस. ओके, एड द डिजिट इन वंस कॉलम को एड करना है. वंस कॉलम बेटा कौन कौन से नंबर है, फाइव प्लस टू प्लस वन. ओके, जो सबसे बड़ा नंबर है, विच इज द लार्ज नंबर, फाइव, उसे हमें क्या क्या करना है, माइंड में रखना है. ठीक है, और जो उससे छोटा नंबर है उसको हमें फिंगर पर काउंट करना है. फाइव नंबर कीप इन, फाइव नंबर कीप इन माइंड एंड टू नंबर ऑन फिंगर, टेक फाइव सिक्स सेवन. सेवन के बाद बेटा एक नंबर और ही बचा हुआ है, सेवन के बाद में क्या आएगा, एट. ठीक है ना, एट नंबर राइट इन वंस कॉलम. अब देखिए एड द डिजिट इन द टेंस कॉलम को एड करना है. टेंस कॉलम में बेटा कौन कौन से नंबर है, फाइव प्लस टू प्लस वन. ओके, फाइव में टू प्लस करेंगे तो बेटा क्या आएगा, सेवन एंड वन एट. अब देखिए बेटा जो बाकी के सम्स हैं वो आपको सोल्व करने हैं. ठीक है, आपको बुक में भी सोल्व करने हैं ये, और नोटबुक में भी करने हैं. ठीक है, ये यहाँ से जो बाकी के बचे हुए हैं, जैसे ये वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन, जो ट्वेंटी वन सम्स है बेटा, ये से आप अपने इनको नोटबुक में और बुक में सोल्व करेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.